अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी थोड़ा सा आहिस्ता बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है मैं बच्चों से छुप के आई हूँ इस कमरे में। उनको मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि मैं इधर आके वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि बताने वाली बात ही नहीं थी अभी। तो हाँ जी, बात ये है कि अभी 12 बजने वाले हैं, अभी थोड़ी देर बाद जो है 19 सितंबर स्टार्ट होने वाला है। आई नो वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो लेट ही होगा। 19 सितंबर जो है मीशा का है बर्थडे का दिन, मीशा को हम लोग विश करेंगे। इसके बाबा होते हैं आउट ऑफ सिटी, तो इसकी यही होती है अच्छा बाबा नहीं है। तो इस दफ़ा जो है बाबा भी है यहाँ पे। बाबा जो हैं अभी इसके केक लेके आएंगे। स्पाइडरमैन वाला कैरेक्टर बहुत पसंद है हमें, तो हम लोगों ने स्पाइडरमैन वाला ही इसका भी केक बनवाया। इंशाल्लाह इसकी बर्थडे भी करेंगे कुछ दिन के बाद, जब इसकी बड़ी वाली पप्पो भी आएगी, छोटी वाली पप्पो भी आएगी, सब इकट्ठे होंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम जब हमारी छोटी सी फैमिली है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग सारे इकट्ठे जब हों तो हम हमारे हर बच्चे का यही हिसाब है कि बर्थडे जो है तब सेलिब्रेट करते हैं। कभी डेट पे हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, बट हाँ विश हम ज़रूर करते हैं। बच्चों को केक वगैरह मंगवा के बलून्स वगैरह, बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आज सारे बहुत खुश हैं भाई, क्योंकि आज जो है मीशा माशाल्लाह पूरे 4 साल का हो जाएगा, और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे बातें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। फिर मीशा मुझे बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी देख रहे हैं आप कितना पसीना आ रहा है मुझे। पंखा मैंने नहीं चलाया क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी हल्की है, और ऊपर से पंखे की वजह से बिल्कुल ही नहीं आपको आनी थी मेरी आवाज़। तो हाँ जी, अभी थोड़ी देर तक जो है इसके बाबा आते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बाबा इसके कौन सा केक लेके आए हैं और हम इसको कैसे विश करेंगे। और इसको मज़े की बात इसको बताना भी, थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय। तो यहाँ पर अभी 11 बज रहे थे, तो मीशा के बाबा यहाँ पे बलून्स ले आए थे, और हम डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पे इसको विश करें जहाँ इसको पता ना लगे, और हम लोग ये सारे बलून्स वगैरह भी रख लें। इनको सेट तो नहीं करना था, बस रखना था। तो कहाँ रखें जब तक एक पूरा एक घंटा था पड़ा हुआ बीच में, उससे छुपा के रखना। तो हम डिसाइड कर रहे थे इसी कमरे में रहने दें सब कुछ, या जो है हम लोग इसको लेके जाएं दूसरे कमरे में इन सब चीज़ों को। पर ये था कि अगर उधर ले जाते तो उसको पता चल जाता। फिर हम लोगों ने लास्ट ये डिसाइड किया कि मीर को जो है उसके बाबा ले जाएंगे बाहर, और पीछे से हम लोग सारा कुछ कर लेंगे सेट। तो यहाँ पर मीर साहब को कुछ भी नहीं पता कि आज उसकी बर्थडे है, और यहाँ पे इसके बाबा केक लेने चले गए थे। और जो है टाइम हम थोड़ा सा गुजार रहे थे कि जल्दी जल्दी से टाइम थोड़ा सा गुजरे। यहाँ पे मैंने इसको मूवी लगा के दी हुई। मीरा आपको सच्ची मुच्ची में नहीं पता आज क्या है, नहीं पता? पता याद करो क्या है आज। संडे है। क्यों आपके सर में दर्द हो रहा है? अभी से आपके सर में दर्द होने लग गया है? बड़े होके क्या हाल होगा आपका फिर? तो फाइनली मीर यहाँ पर चला गया था बाहर अपने बाबा के साथ, और मेरे पास 5 मिनट थे। उसमें मैंने टेबल रखा, केक रखा, बलून सारे रखे, और ये था मीरशा का स्पाइडरमैन केक। स्पाइडरमैन पूरा तो नहीं बना, बस स्पाइडरमैन का फेस जो है वो आ गया हमारे पास। अब ये था कि उसको पसंद आ जाए ये वाला केक। तो यहाँ पे जो है बलून्स वगैरह रखे, और अनाया थी मेरे साथ, क्योंकि अनाया को रोक के रखा हुआ था मैंने अंदर, क्योंकि इसने जाके बता देना था फ़ोन से मेरे को। तो हम लोग यहाँ पे जो है सेट कर रहे थे, और लास्ट जो है जब 2-3 मिनट रह गए तो यहाँ पे इसके बाबा ने जल्दी से आके कैंडल्स जलाई, और अपनी दादों के पास उसको बड़ी मुश्किल से रोक के रखा हुआ था, कह रहा था मैंने अंदर आना है ना। और यहाँ पर आ गया मीशा रूम के अंदर। Happy birthday to you.
आज की वीडियो यहीं तक थी, और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने विश किया मीशा को, और ये मीशा का जो है गिफ्ट था जो उसकी दादू ने दिया था, जो एक मंथ पहले ही आ गया हुआ था बर्थडे से, क्योंकि दादू ने पहले ही गिफ्ट ले दिया था कि ये मीशा की जो बर्थडे आने वाली है ये उसका गिफ्ट है। तो मीशा को बहुत पसंद है ये भाई, सबसे पहला गिफ्ट दादू ने दिया था। तो यहाँ पर अब मीर तो बहुत ज़्यादा खुश था, तो और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा 4 साल का हो गया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मीशा की कुछ क्यूट मेमोरीज जब वो पैदा हुआ, तो आप लोग देखें पिक्चर्स। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।